बच्चों पे लेसन नंबर 2 जैसी करनी वैसी भरनी में पेज नंबर 19 निकालिए। अब हम थर्ड बिट करेंगे। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में ब्रैकेट्स में बच्चों यहाँ पर दो वर्ड्स दिया हुआ है, उसमें जो शब्द सही है उसको आप लोग डैश में लिखना है। धूल मिट्टी, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। सेकेंड वन, आओ थोड़ी देर डैश के घर रुक जाओ। विमल कमला विमल, आओ थोड़ी देर विमल के घर रुक जाओ। थर्ड वन, आँखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना डैश है। मुश्किल है आसान है? मुश्किल, मुश्किल की पट्टी लगाइए और यहाँ पर लिखिए मुश्किल। फोर्थ वन, इसमें तुम्हारा कोई डैश नहीं है। हाथ दोष दोष, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बच्चों अब हम भाषा ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट बिट, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। पुट द टिक मार्क। बच्चों यहाँ पर देखिए मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें जटिल आसान सरल, इसमें से कौन सा सही है उसके ऊपर आप सही का निशान लगाना है। मुश्किल, मुश्किल का ऑपोजिट क्या है? आसान। आसान के ऊपर आप लोग सही का निशान लगाइए। मित्र, मित्र का ऑपोजिट क्या है? सखा दोस्त शत्रु, शत्रु। मित्र का ऑपोजिट क्या है? शत्रु। शत्रु पर सही का निशान लगाइए। थर्ड वन, दोष गलत निर्दोष सही। दोष का ऑपोजिट क्या है? निर्दोष। निर्दोष के ऊपर आप सही का निशान लगाइए। फोर्थ वन, क्षमा अनुमति आज्ञा दंड। क्षमा का ऑपोजिट क्या है? दंड। दंड के ऊपर आप सही का निशान लगाइए। बच्चों अब आप सेकेंड बिट देखिए। तमाशा पत्थर विमल दवा आसमान मिट्टी आदि संज्ञाएं हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव की जानकारी देने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का भी नाम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली दीप्ति। दिल्ली एक शहर का नाम है, दीप्ति एक लड़की का नाम है, ये क्या हुआ बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम चिड़िया, आम एक फल है, चिड़िया एक पक्षी है, ये क्या हुआ बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता खुशी भाववाचक संज्ञा है, जिसमें हंसना रोना किसी भी भाव को बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों पेज नंबर 20 निकालिए। पाठ में से संज्ञाएं छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक दिया हुआ है, इसमें से आपको पाठ में से व्यक्तिवाचक शब्द कौन से ढूंढकर लिखना है। अभी मैं बताती हूँ आपको। कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आयुष विमल ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चे मिट्टी आंधी जातिवाचक संज्ञा है।
हंसना, दर्द मित्र भाववाचक संज्ञा है। बच्चों अब आप पेज नंबर 19 और 20 को पूरा करिए।